अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू डिटेल रिव्यू ऑफ द इलिशा स्किन नेचुरल फेशियल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इनकी मसाज क्रीम जो है वो क्लींजर का भी, डीप क्लींजर का काम करती है। तो सबसे पहले उसको लगा के अच्छी तरह से मैं हाथों की मदद से इसको रब करूँगी और सारी डस्ट होगी ताकि वो रिमूव हो जाए। उसके बाद किसी भी फेशियल स्पंज की मदद से या कॉटन पैड की मदद से इसको रिमूव कर लूँगी। देन मैं यहाँ पे इनका क्लींजर मिल्क यूज़ कर रही हूँ क्लीन करने के लिए। इनके क्लींजर मिल्क की कंटेंसिटी भी बहुत अच्छी थी। इसको भी आप लगा के 2 से 3 ड्रॉप लेकर अच्छी तरह इसको अपने हाथों की मदद से रब कर लें। उसके बाद इसको रिमूव कर लें। डीप क्लींजिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर डबल एक्शन मैं यूज़ कर रही हूँ। डबल एक्शन ये एक जेली फॉर्म में था। इसको आपने थोड़ा सा लगाने में ज़्यादा लगा लिया था इस पर। उसके बाद इसको लगाने के बाद 2 से 3 कतरे आप पानी के डालें और इसको हाथों की मदद से फेशियल स्टेप फॉलो करते हुए इसको फेस पे अच्छी तरह से इसको मसाज कर लें। और ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी झाग बन गई। मैंने ज़्यादा लगा लिया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद फेशियल स्पंज की मदद से इसको आप रिमूव कर लें। इनकी स्मेल बहुत अच्छी थी। इसके बाद एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ करेंगे। यहाँ पर इनका जो स्क्रब था उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के थे, तो यानी आपकी स्किन पर ज़्यादा हार्श फील नहीं होता। आप फेस पे इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। रेकमेंडेड है, तो लाजमी आप इसको इनके पेज पे जाके इसको बाय कीजिएगा। और ये देखिए आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा रिजल्ट आया स्क्रब करने के बाद। इसका स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। इनकी स्किन पॉलिश जो है वो बनी बनाई है। ये हमें फ़ायदा है कि हमें इसको बनाना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं लगा कर इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसको मसाज करके आप रिमूव कर लें या ऐसे स्पंज की मदद से इसको रिमूव कर लें। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल एक्शन इन्होंने दिया है। ट्रिपल एक्शन की स्मेल भी बहुत अच्छी थी। ये भी जेली फॉर्म पे था डबल एक्शन की तरह, तो इसको मैंने फिर हिसाब से ही लगाया थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा झाग बन जाती है बाद में। फिर थोड़ा थोड़ा पानी के ड्रॉप डाल के इसको अच्छी तरह से मसाज कर लें और फिर इसको स्पंज की मदद से रिमूव कर लें। मसाज आपकी मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तक होनी चाहिए। जो भी आपने डबल एक्शन या मसाज क्रीम वगैरह यूज़ करेंगे तो उसकी आपकी जो होगी ड्यूरेशन आपने 5 से 7 रखना है। इसके बाद यहाँ पे मड मास्क लगा रही हूँ। इनका मड मास्क बहुत अच्छा था, इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। मड मास्क एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपके अगर एक्नी स्किन है तो आप लास्ट में इसको बाय कीजिएगा। और डेली रूटीन में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए इसके बाद रिमूव करने के बाद इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्किन शाइनर यूज़ कर रही हूँ। स्किन शाइनर स्किन टोनर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करके गुलाब यूज़ कर लें। ये थैंक यू सो मच, आपने मुझे भिजवाया, बहुत अच्छा फेशियल था, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, 100% रेकमेंडेड है। तो आप लाजमी बाय कीजिएगा। इनका पेज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।